मशरूम का इतना बढ़िया डिश जब तक नहीं खाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपल और आप देख रहे हैं कुछ पल किचन में मेरे साथ। आज मैं लेके आई हूँ चीजी स्टफ्ड मशरूम की रेसिपी। चीजी स्टफ्ड मशरूम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मशरूम लिया है, बटन मशरूम। मशरूम से हम मशरूम का स्टॉक ऐसे अलग कर लेंगे। एक मिक्सिंग बोल में मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है। इसके साथ मैं मिलाऊंगी 1 चम्मच तंदूरी मसाला और साथ ही में 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 बड़े चम्मच दही। इनको मैं अच्छे से मिला लूंगी। पेस्ट की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी होगी। अगर आपको लग रहा है आपका पेस्ट थोड़ा पतला हो गया है, आप इसमें 1/2 चम्मच बेसन और मिला सकते हैं। यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच नमक मिलाऊंगी और साथ ही में मिलाऊंगी 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो नमक अपने स्वाद अनुसार मिला सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल और नमक को पेस्ट के साथ अच्छे से मिला लेना है। अभी हम मशरूम को लेंगे और मशरूम के बाहर की तरफ इस पेस्ट को ऐसे लगा देंगे। यहाँ पे मैंने सारे मशरूम में पेस्ट लगा दिया है। अभी इनको मैं 15-20 मिनट के लिए अलग रख दूंगी। जब तक मशरूम मैरिनेट हो रहे हैं तब तक मैं मशरूम के स्टफिंग की तैयारी कर लूँगी। यहाँ पे जो स्टॉक्स है मशरूम के उनको मैं छोटे छोटे काट लूँगी और साथ ही में काट लूँगी मैं 1 टमाटर और 1 प्याज। सारे बारीक करके काटना है। एक पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लिया है और इसमें मैं बारीक कटे हुए प्याज को डाल दूंगी। प्याज को मैं लाइट ब्राउन होने तक भून लूंगी। प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी इसमें मैं मिलाऊंगी 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट मिला के 1 मिनट तक भून के फिर मैं इसमें मिला दूंगी टमाटर। अभी मैं यहाँ पे नमक मिला दूंगी। नमक जो है हमेशा टमाटर को डालने के बाद ही आप मिलाएं। इससे क्या होता है टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक मिलाया है। आप चाहे तो अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला सकते हैं। टमाटर को मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर पकने दूंगी। जैसे ही टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए मैं इसमें मशरूम के स्टॉक्स जो मैंने बारीक बारीक काट के रखे हैं वो मिला दूंगी।
स्टॉक्स मैंने डाल दिया है। थोड़े देर मशरूम स्टॉक्स को अच्छे से पका लेना है, तब उसके बाद मैं इसमें मसाले मिलाऊंगा। मशरूम स्टॉक्स नरम हो चुके हैं, अभी मैं इसमें मैरिनेट का जो मसाला हमने बनाया था वो एक चम्मच मैं इसमें मिला दूंगी। अच्छे से मिला के 2 मिनट तक इसको भूनना है। स्टफिंग का मसाला अच्छे से भुन रहा है, अभी इनमें मैं बाकी के मसाले ऐड कर दूंगी। 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चुटकी भर काला नमक और चाट मसाला। इन सबको अच्छे से मिला के 1-2 मिनट और पकाना है और हमारा स्टफिंग रेडी हो जाएगा। एक नॉनस्टिक पैन में मैंने 1 छोटा चम्मच तेल डाल लिया है और इस पे मैं ये जो मैरिनेट किया हुआ मशरूम्स है इनको सजा दूंगी ऐसे। अब इन मशरूम को मैं स्टफ कर दूंगी हमारे तैयार किए हुए स्टफिंग के मसाले से। इस तरीके से आपको चम्मच में स्टफिंग लेना है और मशरूम के अंदर ऐसे भर देना है, आप हाथ से भी भर सकते हो। मशरूम सारे स्टफ हो चुके हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ ग्रेट कर दूंगी। मशरूम्स को अभी मैं बेक करूंगी प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए। मशरूम बेक हो चुका है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जितना बढ़िया देखने में लग रहा है उससे भी ज़्यादा टेस्टी ये खाने में है। तो देर किस बात की, झटपट से बनाइए रेसिपी और मुझे कमेंट करके बताइए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।